राधे राधे दोस्तों, कुकुमित उपासना मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुड़ की खीर बनाएंगे। ये राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुड़ की खीर बनाने के लिए हमने गैस पे एक भगोना रख दिया है। हम इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। हमने गैस पे एक भगोना रख दिया है। हम इसमें 1 कप कट किया हुआ गुड़ डालेंगे, 1/4 कप पानी डालेंगे। गुड़ को लो फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे और बीच बीच में चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में उबाल आ गई है। अब हम गैस को लो करेंगे और इसमें 1/2 कप चावल डालेंगे। हमने चावल को अच्छे से धो के 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। चावल को दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। हम चावल को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और दूध को बीच बीच में चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारे चावल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम दूध को मीडियम फ्लेम पे हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा दूध हल्का गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें कट किए हुए काजू डालेंगे, कट किए हुए बादाम डालेंगे, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमारी खीर बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारी चावल की खीर ठंडी हो गई है। अब हम इसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ छान के डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी गुड़ की खीर बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने इसे सर्व कर लिया है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी राजस्थानी गुड़ की खीर बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे।